नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दिल्ली का दादा दिल्ली का दादा देवराज चौहान इन दिनों मुंबई स्थित कालवा देवी रोड पर बने आर्य निवास होटल में ठहरा हुआ था वह अकेला था जगमोहन किसी काम के कारण दिल्ली में था और किसी भी समय मुंबई में उसके पास पहुंच सकता था वक्त बिताने के लिए देवराज चौहान इधर उधर टहल लेता था फिलहाल वह किसी भी तरह के काम करने के मूड में नहीं था उसे दिल्ली से जगमोहन के आने का इंतजार था उसके बाद ही वह किसी काम में हाथ डालना चाहता था अगर बाहर टहलने का मन नहीं होता तो वह आर्य निवास होटल के मालिक कम पार्टनर केतन ठाकर के साथ होटल के टेरिस पर बैठ कर इधर उधर की बातें करता रहता केतन ठाकर के साथ देवराज चौहान का दोस्ताना हो गया था उन्हें बातें करते करते कभी कभार तो रात के दो दिन भी बच जाते थे इस समय रात के साढ़े ग्यारह बजे थे देवराज चौहान जेबों में हाथ डाले टहलता हुआ आर्य निवास होटल की तरफ बढ़ रहा था मुंबई की रौनक अपने उत्कृष्ट पर थी ट्रैफिक अथवा लोग फुटपाथ पर आ जा रहे थे आज केतन ठाकर ने स्पेशल तौर पर होटल के टेरेस पर पार्टी का इंतजाम किया था और उस पार्टी में उन दोनों ने ही शामिल होना था या फिर विस्की ने देवराज चौहान अपनी सोचों में व्यस्त आगे पड़ा जा रहा था पांच छह दिन हो गए थे दिल्ली से जगमोहन की कोई खबर नहीं आई थी और न ही फोन जबकि वह सिर्फ दो दिन के लिए दिल्ली गया था उसने मन ही मन फैसला किया कि आर्यनिवास पहुँच सबसे पहले वह दिल्ली स्थित जगमोहन के होटल फोन करके उससे बात करेगा देवराज चौहान अभी होटल निवास से सिर्फ सौ गज दूर चौराहे के पास फुटपाथ पर चला जा रहा था कि तभी एक आदमी बदहवासी में भागता हुआ पीछे से आया और वेग के साथ उससे जा टकराया टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही नीचे गिर कर बाएं बाएड़कते चले गए दो पल तो देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि क्या हो गया है फिर समझा और जल्दी से संभल कर खड़ा हो गया उससे टकराने वाला व्यक्ति भी अब तक खड़ा हो गया था वह बहुत घबराया हुआ था उसकी आंखों में मौत के भाव नाच रहे थे चेहरा पसीने से भरा हुआ था देवराज चौहान पर निगाह जमाए वह पुनः अपनी दौड़ आरंभ करने ही वाला था कि तभी काले रंग की लंबी विदेशी कार ब्रेकों की तेज आवाज के साथ फुटपाथ के करीब आकर रुकी कार को देखते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर भय की परत छाती चली गई उसने भागना चाहा तभी चडाक भडाक कार के दरवाजे खुले और तीन खतरनाक आदमी बाहर निकले हाथों में लंबे फल वाले खुले चाकू चमक रहे थे अपनी मौत सामने देखकर उसकी होठों से चीख निकली और उसने भागना चाहा परंतु तीनों में से एक ने फौरन लपक कर दबोच लिया कई लोगों ने यह दृश्य देखा परंतु हर कोई दूर खिसकता चला गया देवरा चौहान हक्का बक्का रह गया सिर्फ दस फीट दूर यह हादसा हो रहा था वह बीच में नहीं आना चाहता था परंतु एक को तीन मार रहे थे उसकी निगाहों में यह बात गलत थी और सरासर गलत थी मौत का मुकाबला बराबर का होना चाहिए अरे यह क्या कर रहे हो देवराज चौहान हड़बड़ा कर चीखा परंतु उन लोगों ने एक बार भी देवराज चौहान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा एक ने उसे थाम रखा था और सामने खड़े दोनों खतरनाक व्यक्तियों के हाथ में थमे चाकू उसके सीने में प्रवेश करते चले गए उसके होठो से दर्द भरी चीख निकली दोनों चाकू कई बार उसके जिस्म में गए और बाहर आए जब उसे छोड़ा तो वह कटे पेड़ की तरह नीचे गिर गया था उसका पेट फट गया था फुटपाथ खून से लाल होने लगा उन लोगों ने शांति के साथ खून से रंगे चाकू मृत व्यक्ति के कपड़ों से साफ किए और उन्हें बंद करके जेब में डाले। सब कुछ चंद सेकंड में ही घटित हो गया था उसके बाद वे हत्यारे कार की तरफ पड़े ही थे कि देवराज चौहान ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया वे तीनों पलटे और खूंखार निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगे बहुत बहादुरी का कारनामा करके जा रहे हो देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा तीनों ने पैनी निगाहों से उसे देखा फिर एक दूसरे को तुम तीनों ने मिलकर उसकी जान ले ली हिम्मत थी तो उससे एक ही निपटता ताकि उसे भी अपनी जान बचाने का पूरा मौका मिलता बड़े कमीने हो तुम तीनों तीनों ने पुनः आपस में एक दूसरे को देखा तेरे को क्या चाहिए तूने भी मरना है क्या एक ने खतरनाक स्वर में कहा देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया फूट ले साले दूसरा गुर्राया वरना इसके साथ तेरी भी लाश पड़ी होगी भाग ले देवराज चौहान की आंखों में सुर्खी भराई हमारे लफड़े में माता। तीसरा दरिंदगी से बोला वरना कुत्ते की मौत मरेगा देवराज चौहान के होटो से भेड़िए किसी गुर्राहट निकली उसने उन दोनों की बाहों को छोड़ा और फिर जो भी हुआ बिजली किसी गति से हुआ एक के पेट में घुसा पड़ा उसे ऐसा लगा जैसे पेट से लोहे का गोला आटकराया हो दूसरे के पेट में जूते की नोक पड़ी तीसरे के हाथ से चाकू झपट कर देवराज चौहान के हाथों में आया और उसके कंधे में पेवस कर दिया पहले दोनों तो डकारते हुए अंदाज में, में चीखने लगा कंधे में चाकू इस प्रकार धसा था कि वह उसे खींचकर निकाल भी नहीं पा रहा था तभी उसके पेट में घुसा पड़ा वह बुरी तरह तड़प कर चीखा देवराज चौहान ने उसके बाल पकड़े और जोर से झटका दिया वह चीखता हुआ कई फीट दूर जा गिरा देवराज चौहान इस समय वहशी दरिंदा लग रहा था इससे पहले की कुछ और होता तभी कार के दरवाजे खुले और कोट पैंट पहने दो व्यक्तियों ने बाहर कदम रखा उनके हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी देवराज चौहान की सुलगती निगाह उन दोनों पर जाकर स्थिर हो गई। उसके वारों से गिरे दोनों व्यक्ति भी अब खड़े होकर गहरी गहरी सांस ले रहे थे उनके पेट से पीड़ा भरी लहरें अभी भी उठ रही थी तीसरा जिसके कंधे में चाकू धंसा था वह व्यक्ति तौर पर तो बिल्कुल ही बेकार हो गया था अभी भी चीखे तड़पे जा रहा था रिवॉल्वरें हाथ में दबाए वह दोनों व्यक्ति उसके पास पहुंचे और अगले ही पल रिवॉल्वर की नाले उसके पदन से सट गई देवराज चौहान की आंखों में सद्ध भाव छा गए मुट्ठियां भींच गई चलो एक ने बेहद शांत स्वर में कहा कहां देवराज चौहान ने दांत भेजते हुए उसे देखा कार तक क्यों चलो तो उसने रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर खतरनाक लहजे में कहा रिवॉल्वरों के साय में देवराज चौहान कार तक पहुंचा उसके चेहरे पर क्रोध और दरिंदगी के भाव नाच रहे थे रिवॉल्वर के साय में वह उनकी बात मानने के लिए विवश था उसकी अपनी रिवॉल्वर होटल के कमरे में पड़ी थी दोनों उसे कवर किए कार की पिछली खिड़की के पास खड़े हो गए थे तभी कार का काला शीशा धीरे धीरे नीचे सरकने लगा देवराज चौहान की पैनी निगाह सरकते शीशे पर जाट की वह शीशा आधा नीचे हुआ और कार के भीतर जो चेहरा नजर आया वह पचास बरस के बेहद स्वस्थ व्यक्ति का था आंखों पर चढ़े चश्मे की कमानी सोने की थी गले में सोने की काफी भारी चेन पहन रखी थी शरीर पर कीमती सूट हाथों की उंगलियों में सोने और हीरे की अंगूठिया कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था उसने अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारा आंखें देवराज चौहान की आंखों से टकराई कई पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे इसका क्या किया जाए? देवराज चौहान को कवर करने वाले व्यक्ति ने पूछा हम कार में बैठे व्यक्ति ने स्थिर लहजे में कहा बेकार का खून खराबा नहीं पसंद करते परंतु इसने खामा खां हमारे मामले में दखल दिया है इसे अच्छी तरह समझा दो कि सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए कहते ही उसने कार का शीशा बंद कर लिया इससे पहले कि देवराज चौहान कुछ समझ पाता उन दोनों ने रिवॉल्वर जेब में रखे और उसे अपने घूसों और ठोकरों पर रख लिया अन्य दो भी आ गए जो पेट में घूसा और जूते का वार सहन कर चुके थे वे भी अब अपना क्रोध उस पर उतारने लगे ऐसे कि देवराज चौहान को जरा भी मौका न मिला कि वह खुद को बचा सके सिर्फ दो मिनट लगे और देवराज चौहान की बुरी हालत हो चुकी थी उसके शरीर के हर नाजुक हिस्सों पर बड़ी बेदर्दी के साथ वार किया गया था स्पष्ट था कि वे लोग मारामारी में एक्सपर्ट थे और बेहतर जानते थे कि उन्हें कहाँ वार करना है कहाँ चोट पहुँचानी है तभी एक साथ दो कारें तेज गति के साथ वहाँ आकर रुकी उन कारों को देखते ही वे चारों व्यक्ति चौंके कोट पैंट वाले दोनों व्यक्तियों ने रिवॉल्वरें निकाली और कार पर फायर झोंक दिए आने वाली कार के भीतर से चीख उभरी था कि उनकी चलाई गोली भीतर बैठे किसी व्यक्ति को लगी है देवराज चौहान की बुरी हालत हो चुकी थी वह नीचे गिरा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इससे पहले कि वे दोनों पुनः फायर कर पाते उन दोनों कारों के भीतर से एक साथ कई फायर हुए और वह चारो तड़पते हुए नीचे जा गिरे तभी सड़क के किनारे खड़ी कार तेजी से आगे बढ़ गई उन दोनों कारों से उस कार पर भी फायर हुए परंतु वह काफी आगे निकल गई थी फायरों से उस कार को कोई नुकसान नहीं हुआ उन दोनों कारों के दरवाजे खुले कई खतरनाक व्यक्तियों ने रिवॉल्वर थामे बाहर कदम रखा लोग दहशतपूर्ण निगाहों से यह सारा नजारा देख रहे थे उन चारों में से दो तो मर चुके थे परंतु दो अभी भी तड़प रहे थे उन्होंने तड़पने वालों को शूट करके उस लाश को उठाया जिसे चाकू से मारा गया था उसे कार में डाल लिया फिर उन्होंने देवराज चौहान को देखा जो कि खस्ता हालत में नीचे पड़ा था उन लोगों ने देवराज चौहान को भी उठाकर कार में डाला और अगले ही पल दोनों कारें भागती चली फुटपाथ पर खून से सनी चार लाशें पड़ी थी देवराज चौहान को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया उस महंगे नर्सिंग होम में पीड़ा भरी लहरें अभी भी बॉडी से उठ रही थी माथे और गाल पर बैंडेज लगा दी गई थी हादसे को तीन घंटे बीत चुके थे उन बदमाशों ने उसके पेट पर ऐसे ऐसे खतरनाक पार किए थे कि जिसके कारण पेट से अभी भी टीसे उठ रही थी डॉक्टरों ने उसे दर्द कम करने की दवा दे दी थी अब उसे खुद ब खुद यहाँ से जाने में कठिनाई नहीं थी उसने जाना चाहा तो दो शरीफ से लगने वाले बदमाश उसके सामने आ गए देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उन दोनों को देखा हम यहाँ पर तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मरम पट्टी करने के लिए नहीं लाए एक ने कहा तो तुमसे कुछ पूछना है क्या देवराज चौहान ने उनकी आंखों में झांका थोड़ी देर सब्र करो अभी मालूम हो जाएगा यहाँ से खिसकने की कोशिश मत करना हम हर समय तुम्हारे सिर पर सवार हैं चाहे तुम्हें नजर ना भी आए देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया क्या चाहते हो मुझसे कुछ बात करनी है तो कर लो हम नहीं कोई और तुमसे बात करेगा अब चुप रहो शुष्क स्वर में कहा गया देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा वह दोनों शरीफ बदमाश इधर उधर टहलते रहे कभी निगाहों में रहते तो कभी ओझल हो जाते वह एक कमरे में बैठा रहा रात बीतती जा रही थी, परन्तु उसकी आंखों में नींद नामो निशान नहीं था सुबह चार बजे वह शख्स आया जिसने उससे बात करनी थी वह पैंतीस बरस का सांवले रंग का खूबसूरत स्मार्ट युवक था परंतु उसकी आंखों में कठोरता झलक रही थी स्पष्ट था कि वह कोई शरीफ इंसान नहीं था देवराज चौहान के सामने आते ही उसके होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान उभरी। रात में मौजूद दोनों बदमाश भी वहीं उनके पास थे सॉरी, तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा, उसने कहा पिछले कुछ घंटे मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था मेरे कहने पर ही तुम्हें रोक कर रखा गया मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था देवराज चौहान एक ही निगाह में भाप गया कि सामने खड़ा इंसान इतना सीधा नहीं है जितना कि वह खुद को दर्शा रहा है उसके हाव भाव से वहशीपन टपकता था अब कैसी तबीयत है तुम्हारी उसने स्वर को मुलायम रखने की चेष्टा करते हुए पूछा ठीक हूँ देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झाका तुम कौन हो मैं उसकी आंखों में चमक उभरी मेरा नाम करण सिंह है करण सिंह देवराज चौहान ने उसका नाम दोहराया हाँ उसने एक एक शब्द चबाकर दांत भींचते हुए कहा करण सिंह और पिता का नाम है सूरज प्रताप सिंह शायद नाम सुन रखा हो तुमने देवराज चौहान चौका उसकी आंखें सिकुड़ गई सूरज प्रताप सिंह क्यों नाम पहचाना लग रहा है क्या हाँ ऐसा ही एक नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में गूंजता है सूरज प्रताप सिंह हाँ यह मेरे पिता का नाम है मुंबई अंडरवर्ल्ड में हमारी चलती है जो भी हमारे सामने खड़ा होने की चेष्टा करता है वह मारा जाता है उसने सख्त स्वर में कहा देवराज चौहान संभलकर बैठ गया अपने सामने खड़े करण सिंह को वह मामूली हस्ती समझ रहा था परंतु वह सूरज प्रताप सिंह का बेटा था ऐसे इंसान का बेटा जिसका हाथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर था मुंबई का खतरनाक बदमाश था वह जिसकी तूती बोलती थी वह जो चाहे वही होता था नहीं तो खून की नदियां बह जाती थी मैंने अपने बारे में तुम्हें खुलासा इसलिए बताया कि जो कुछ मैं तुमसे पूछना चाहूँ उसका जवाब मुझे सही सही देना इसी में तुम्हारी भलाई है देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया रात क्या हुआ था करण सिंह ने पूछा वह लोग तीन थे और एक को चाकुओं से मार रहे थे मैंने उन्हें मना करना चाहा था कि एक के साथ एक ही लड़े लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी उस आदमी को मारकर वह लोग मुझसे मारपीट करने लगे उनका बड़ा पास ही मौजूद कार में बैठा था शायद वह लोग मेरी और भी बुरी हालत करते लेकिन शायद तब दो कारों में तुम्हारे आदमी आ गए और उन्होंने उन चारों को तो शूट कर दिया परंतु कार वाला भाग निकला करण सिंह के होठों से सांप की फुफकार निकली उसका चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया था आंखें अंगारों के समान सुलगने लगी थी उन लोगों ने जिसे मारा वह तुम्हारा आदमी था देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह मारी हाँ वह सूरज प्रताप सिंह का आदमी था करण सिंह स्वर में कह उठा कौन थे वे लोग गजानंद और उसके आदमी कौन गजानंद? देवराज चौहान के माथे पर पड़ पर पर गए। दिल्ली का मालिक दिल्ली का सबसे बड़ा दादा गजानंद। हैरानी की बात है देवराज चौहान ने अजीब से लहजे में कहा।, कहा दिल्ली और कहा मुंबई मेरे ख्याल से तो इतनी दूर का झगड़ा नहीं होना चाहिए करण सिंह ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा अब तुम जा सकते हो करण सिंह ने पूर्वता लहजे में कहा मैं तो यह सब पूछ कर तुमसे कोई ऐसी बात जानना चाहता था जो मेरे काम की हो कहने के साथ ही करण सिंह पलटा और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया देवराज चौहान के होटो से गहरी सांस निकल गई अनजाने में वह बेहद खतरनाक लोगों के रास्ते में आ गया था फिर भी मन ही मन उसे तसल्ली थी कि वह सस्ते में छूटा कोई भारी लफड़ा नहीं हुआ देवराज चौहान नर्सिंग होम से बाहर निकला उसके देखते ही देखते आदमियों से भरी तीन कारें होम के अहाते चली गई वह समझ गया कि करण सिंह ने अपने खूनी लश्कर के साथ नर्सिंग होम से विदा ली है देवराज चौहान सड़क पर आ गया आसपास टैक्सी न होने के कारण वह पैदल ही आगे बढ़ गया निगाह टैक्सी की तलाश में घूम रही थी अंधेरा अभी छाया हुआ था परंतु तो कुछ ही देर बाद दिन की रोशनी फैलने वाली थी रात खराब हो गई मन मन वह सोच रहा था उस समय वह नहीं जानता था कि कितने खतरनाक लोगों के मामले में दखल दे रहा था उसने तो यही सोचा था कि सड़क छाप बदमाश किसी की हत्या करने जा रहे हैं। अभी नर्सिंग होम से कुछ ही दूर गया था कि एका एक कई कदमों की आहटे उसके कानों में पड़ने लगी वह ठिटका फिर घूम कर देखा वह दस बारह लोग थे जो जाने कहा से निकल बिखरे हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे अंधेरे में ही वह पहचान गया कि उनके रंग ढंग और आसार ठीक नजर नहीं आ रहे थे देवराज चौहान ने सामने की तरफ देखा तो उसके होठ फिंच गए उस तरफ से भी आदमी आ रहे थे अब इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वह घेरा जा रहा है देवराज चौहान की हालत अजीब सी हो गई वह समझ नहीं पाया कि ये लोग कौन है क्यों उसके पीछे पड़े हैं उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा धीरे धीरे वे सभी लोग उसके करीब आ गए वे देवराज चौहान को पूरी तरह घेर चुके थे सिर्फ लाल लाल आंखों से उसे घूर रहे थे कभी भी कुछ भी कर सकते थे वे देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो गया परंतु वह जानता था कि इतने लोगों का एक साथ मुकाबला करने की वह सोच भी नहीं सकता चाहे कितनी भी चेष्टा कर ले ये लोग जो करने आए हैं, उसे पूरा करके ही रहेंगे तभी उन लोगों के बीच से निकल कर एक व्यक्ति सामने आया वह सूट पहने हुए था चेहरे पर काफी हद तक शरीफाना अंदाज टपक रहा था परंतु उसकी आंखें, उसके मक्कार और खतरनाक होने की चुगली कर रही थी देवराज चौहान अस्पजस भरी निगाहों से उसे देखने लगा रात को वह बोला तुमने हमारे काम में दखल दिया सजा तो तुम्हें मिल गई थी वैसे हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं दुश्मनी होती तो अब तक तुम्हारी लाश नीचे पड़ी होती परंतु पिछले कुछ घंटे तुमने सूरज प्रताप सिंह की पनाह में उसके बेटे करण सिंह के साथ बिताए हैं और हम करण सिंह को यह समझाना चाहते हैं कि कोई चाहे उसकी पनाह में आ जाए परंतु वह हमारे कह से नहीं बच सकता सूरज प्रताप और करण सिंह से कह देना कि तुम्हारी ठुकाई करके हम यह साबित करना चाहते हैं कि गजानंद के हाथ दिल्ली से लेकर मुंबई तक लंबे हैं। वह सूरज प्रताप सिंह की बादशाहत में हाथ डालने की हिम्मत रखता है और वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरी पिटाई करके सूरज प्रताप पर अपना रॉब कायम करना चाहते हो देवराज चौहान बोला रॉब तो हम कई बार कायम कर चुके हैं अब तो हम उसे यह समझा रहे हैं कि मुंबई में भी हम वही कर सकते हैं जो दिल्ली में कर सकते हैं कह देना उसे यह मैं वैसे ही कह दूंगा मेरी पिटाई करने की क्या जरूरत है जरूरत है इसके बिना हमारी कही गई बात में अधूरापन लगेगा तुम लोग अपने झगड़े में मुझे क्यों खींच रहे हो रात को ही जो मेरी हुई वही है अभी तक मेरी हालत बिगड़ी हुई है कुछ तो रहम करो मुझ पर हम सिर्फ अपने काम से वास्ता रखते हैं हमारा काम पूरा होना चाहिए वे खतरनाक स्वर में कह उठा सामने वाला मरे या जिए इससे हमें कोई मतलब नहीं यह अंडरवर्ड का उसूल है उसने बेहद ही सख्त स्वर में कहा, रहन-दिल बनकर बदमाशी नहीं की जा सकती अगर तुम सूरज प्रताप के आदमी होते तो चिंता नहीं बचते लेकिन तुम शरीफ आदमी हो इसलिए तुम्हारी सिर्फ पिटाई की जा रही है कहने के साथ ही वह पीछे हटने लगा लेकिन देवराज चौहान ने कुछ कहना चाहा, परंतु उसने उसकी बातें नहीं सुनी घेरे से बाहर निकलते ही उसने इशारा किया और घेरा डाले सारे बदमाश देवराज चौहान पर टूट पड़े भोर का उजाला फैल गया था देवराज चौहान सड़क पर लहूलुहान पड़ा था उसके जिस्म पर कोई हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर चोटों के निशान न हो या खून न रिस रहा हो वह बेहोश था बदन पर पड़े कपड़े चीथड़ों में बदल चुके थे धीरे धीरे लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे नर्सिंग होम के दो चार कर्मचारियों ने भी उसे देखा पहचाना उन्हें ध्यान आया कि खतरनाक दादा करण सिंह रात इससे मिलने नर्सिंग होम में आया था तब वह अपनी चोटों पर मरहम पट्टी कराने आया था उन्होंने जाकर नर्सिंग होम के बड़े डॉक्टर को खबर की तो उसने फौरन उसे वहां से नर्सिंग होम उठा लाने को कहा तब नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने आनंद फानन बेहोश देवराज चौहान को स्ट्रेचर पर लादा और नर्सिंग होम की तरफ बढ़ गए जो कि वहां से सिर्फ पचास गज दूर था इसके साथ ही इस हादसे की खबर सूरज प्रताप सिंह तक पहुंचा दी गई देवराज चौहान को तीन घंटे बाद होश आया तब तक बेहद मुनासिब ढंग से उसकी मरम पट्टी व आवश्यक दवा उसे दे दी गई थी होश में आते ही उसके होठों से पीड़ा भरी कराह निकली उसके पूरे जिस्म में दर्द भरी लहरें उठ रही थी उसमें बैठना तो दूर हिलने तक की हिम्मत नहीं थी डॉक्टर का चेहरा देख उसने पहचाना कि वह उसी नर्सिंग होम में है जिसमें वह रात को था कमरे में ही दो खतरनाक सूरते मौजूद थी जिन्होंने उससे बात करने की जरा भी चेष्टा नहीं की थी परंतु देवराज चौहान को मामला समझने में देर नहीं लगी कि उसकी पिटाई की खबर करण सिंह या सूरज प्रताप तक पहुंच गई होगी उसने इन लोगों को रक्षा के लिए भेजा होगा देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली इतना तो वह समझ चुका था कि अनजाने में वह दो दादाओं के बीच आ फंसा है और वे उसे मोहरा बनाकर अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं डॉक्टर नर्सें अपना काम करते रहे उसके बाद वह करीब तीन चार घंटे सोया जब उठा तो खुद को काफी ठीक महसूस कर रहा था तभी कमरे में करण सिंह ने प्रवेश किया उसके चेहरे पर सख्ती थी उसके साथ दो आदमी और भी थे जो कि उसके खास लग रहे थे करण सिंह को देखते ही देवराज चौहान ने गहरी सांस ली तुम्हारी हालत बुरी लग रही है करण सिंह की आवाज अब कठोर थी देवराज चौहान कुछ नहीं बोला दिल खोलकर मारा है उन लोगों ने तुम्हें उसने पूर्वता लहजे में कहा देवराज चौहान की निगाह करण सिंह पर ठहर गई सब तुम्हारे कारण हुआ है देवराज चौहान के होठों से निकला मेरे कारण करण सिंह के होठ भिंच गए हाँ मुझसे मिलने के लिए तुम रात भर मुझे यहाँ न रोकते तो उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहना था मेरे रात भर रुके रहने और फिर आकर तुम्हारे साथ बात करने से उन लोगों ने समझा कि तुम्हें मेरी पिटाई का बहुत ध्यान है इसी कारण उन लोगों ने दोबारा मुझे अपना शिकार बनाया करण सिंह का चेहरा क्रोध से भर गया। खुलकर बताओ करण सिंह की आवाज में भाव थे। वे के ही आदमी थे यह बात उन्होंने मेरे मुंह पर कबूल की। मेरी पिटाई करके वे तुम्हें या तुम्हारे पिता को यह समझाना चाहते थे कि तुम्हारी पनाह में आया व्यक्ति भी नहीं बच सकता गजानंद के हाथ दिल्ली से लेकर मुंबई तक हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं तुम लोग गजानंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते उन्होंने कहा कि यह सब बातें मैं तुम लोगों से कह तू मामला तुम लोगों का और पिस्ता मैं जा रहा हूं। दो बार मेरी खतरनाक ढंग से पिटाई हो चुकी है तीसरी बार तो वे लोग मुझे शूट ही कर देंगे करण सिंह ने सिगरेट सुलगाई और सर निगाहों से अपने दोनों साथियों को देखा अब पानी सिर से ऊपर होता जा रहा है करण सिंह सर स्वर में बोला हम तो सोचते थे कि गजानंद का मामला निपट जाएगा परंतु अब तो वह हमें चुनौती देने पर उतर आया है आप ठीक कह रहे हैं करण साहब वह बोला पहले गजानंद हमारे मामले में दखल देता रहा जिसे हमने बड़ी बात नहीं समझा परंतु चुनौती देना तो बड़ी बात है बर्दाश्त से बाहर की बात है इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा करण सिंह ने पहले वाले स्वर में कहा अगर ऐसा गजानंद और पैदा हो गया तो हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा कुछ सोचेंगे अब गजानन के बारे में कई पलों तक वहाँ कोई कुछ न बोला करण सिंह का दूसरा साथी तो एक भी शब्द नहीं बोला था हम तुम्हें बीस हजार रुपए देंगे करण सिंह ने देवराज चौहान से कहा जिससे तुम अपना इलाज करवा सकते हो या फिर इसे अपनी पिटाई की कीमत समझ सकते हो देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा मुंह दूसरी तरफ फेर लिया करण सिंह का जो साथी अभी तक कुछ नहीं बोला था वह करण सिंह की बाह पकड़ कर एक तरफ ले गया फिर वे एक मिनट बाद वहां लौट आए अब करण सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव छाए हुए थे इस बदलाव को देवराज चौहान ने भी नोट किया तुम्हारा नाम क्या है देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई करण सिंह के इस प्रश्न से ही इस बात का उसे एहसास हो गया था कि उसे पहचाना जा चुका है करण सिंह के साथी ने उसे पहचान लिया है मैंने तुम्हारा नाम पूछा है उसे कुछ न कहते पाकर करण सिंह ने पुनः कहा तुमने मेरे नाम का क्या करना है तुम्हें बताने में हर्ज है कोई हर्ज नहीं तो बताओ राजीव गुलाटी तभी करण सिंह का साथी कठोर शब्दों में कह उठा झूठ मत बोलो मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ तुम देवराज चौहान हो नहीं हूँ हो उसके होठों से गुर्राहट निकली मैं इस मामले में कभी धोखा नहीं खा सकता देवराज चौहान खामोश रहा वह समझ गया कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं करण सिंह ने सिर हिलाया फिर शांत स्वर में बोला मुझे हैरानी है कि अब असली लहजे पर उतरा मेरी हालत ऐसी ना होती मैं ज्यादा हवा में ना उड़ो करण सिंह देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा तुम कुछ भी नहीं हो अपने आदमियों और हथियारों के दम पर उड़ रहे हो तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर ना हो पास में तुम्हारा कोई साथी ना हो तो मामूली सा जेब कतरा भी शायद तुम्हारी धुनाई कर जाए और मुझे तो हर बार एक से ज्यादा आदमियों ने पीटा है करण सिंह का चेहरा लाल सुर्ख हो गया जुबान संभाल कर बात करो देवराज चौहान वरना करण सिंह फालतू बात मत पड़ाओ तुम तो सिर्फ मुंबई में ही दादागिरी करते फिर रहे हो जबकि मैंने बड़े बड़े दादाओं की दादाई देखी है किसी में कुछ नहीं होता हवा का रुख होता है जिस तरफ बह जाए जिसका खौफ लोगों के मन में भर गया मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ जान पर खेल कर दो तो चार बहादुरी के कारनामे क्या कर डाले हर शहर के अंडरवर्ल्ड में देवराज चौहान का नाम गूंजने लगा अभी तुम्हारे ये आदमी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो नर्सिंग होम का मामूली सा डॉक्टर भी तुम्हारी ऐसी तैसी फेर सकता है मेरी यह बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो करण सिंह का चेहरा धधक उठा बोला कुछ भी नहीं बहुत ज्यादा बोलता है यह तो इसे अपने बारे में कुछ ज्यादा गलत फहमी है तीस मार खा समझता है अपने आप को करण सिंह का साथी बोला तीस मार खा होता तो उन लोगों से अपनी यह हालत क्यों करवाता देवराज चौहान ने स्वर में कहा मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि अकेले इंसान के बस का कुछ नहीं होता तुम भी तो अकेले हो वह पुनः बोला हाँ अकेला हूँ लेकिन जब भी कोई काम करता हूँ तो मुझे सब इकट्ठे करने पड़ते हैं अगर मेरे बारे में जानते हो तो यह बात भी जानते होंगे देवराज चौहान का स्वर बेहद तीखा था जब जिसकी जरूरत होती है उतने आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं मुझे करण सिंह देवराज चौहान को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया अब क्या करना है दूसरे ने करण सिंह से पूछा अब करण सिंह का स्वर शांत था अब मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी यह देवराज चौहान से ताल्लुक रखता मामला है बात करके देखता हूँ इस बारे में पापा क्या कहते हैं पापा से बात करने की क्या जरूरत है मैंने तुम लोगों से दुश्मनी नहीं ली यहाँ तक कि दिल्ली के दादे गजानंद से भी दुश्मनी नहीं ली मेरा तुम लोगों के किसी मामले से कोई वास्ता नहीं मैंने कब कहा कि कोई वास्ता है करण सिंह बोला फिर मुझे जाने दो जाओ हम तुम्हें नहीं रोकते लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि इस समय तुम्हें आराम की सख्त आवश्यकता है कम से कम एक दिन तो यहाँ रहोगे ही तब तक नर्सिंग होम में मेरे आदमी तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे कि गजानंद के आदमी फिर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। जब भी तुम खुद को यहाँ से चले जाने के काबिल महसूस करो चले जाना मेरा कोई आदमी तुम्हें नहीं रोकेगा देवराज चौहान को समझते देर नहीं लगी कि करण सिंह ने मोटे शब्दों में बात को संभाल लिया है उसे वास्तव में आराम की जरूरत थी और करण सिंह भी यही चाहता था कि वे एक आध दिन वहां रहे दोनों बातें अपनी जगह ठीक थी करण सिंह ने एकाएक मुस्कुराकर मीठे शब्दों में कहा तुम निश्चिंत होकर इस नर्सिंग होम में रहो अब कोई गलत हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकेगा मेरे आदमी तुम्हारी रक्षा के लिए 24 घंटे यहाँ रहेंगे देवराज चौहान कुछ नहीं बोला करण सिंह अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया वह दोनों भी चले गए जो करण सिंह के आने से पहले उस कमरे में मौजूद थे जाने क्यों देवराज चौहान को लग रहा था कि उसका पहचाना जाना कुछ ठीक नहीं हुआ और फिर कई घंटों बाद रात को करण सिंह की नर्सिंग होम में वापसी हुई अब देवराज चौहान खुद को ठीक महसूस कर रहा था और चलने फिरने के काफी हद तक काबिल था शरीर से उठने वाली पीड़ा अब आधी से ज्यादा कम हो चुकी थी करण सिंह को अपने दो साथियों के साथ कमरे में आते देखकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई तब वह कुर्सी पर सिगरेट की कश ले रहा था करण सिंह मीठे अंदाज में मुस्कुराया और अपने पन से बोला अब तो तुम्हारी तबियत पहले से बहुत ठीक लग रही है मेरा भी यही ख्याल है। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं करण सिंह एक अन्य कुर्सी पर बैठ गया नहीं करण सिंह ने सिगरेट सुलगा कर कश लिया कराया अपने पापा से बात देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा हाँ करण सिंह मुस्कुराया वह तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे सुनकर वह बहुत हैरान हुए कि तुम देवराज चौहान हो और उन्हें इस बात का अफसोस है कि बेवजह तुम्हारी पिटाई हुई देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी वह बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि करण सिंह के ये शब्द भूमिका के अलावा कुछ नहीं असल में वह कुछ और कहना चाहता है करण सिंह को खामोश पाकर देवराज चौहान ही कह उठा तुम शायद कुछ कहना चाहते हो करण सिंह हाँ पापा तुम्हें बहुत ही खूबसूरत मौका देना चाहते हैं करण सिंह पुनः मुस्कुराया किस बात का दौलत कमाने का वह चाहते हैं तुम्हें इतनी दौलत दे दी जाए कि तुमसे संभाली न जा सके जो मेरी पिटाई हुई है उसके एवज में देवराज चौहान की आवाज में व्यंग था नहीं पापा चाहते हैं हमारी तरफ से तुम गजानंद से निपटो देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई निपटो इस निपटो का जरा खुलासा करो तुम दिल्ली के दादा गजानंद को हमारी तरफ से सबक सिखाओ उसे सिखाना है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का थम सूरज प्रताप सिंह चाहे तो मुंबई में बैठे बैठे उसे तबाह कर सकता है उसकी मौत का सामान इकट्ठा कर सकता है करण सिंह का चेहरा धधक उठा और जब तुम गजानंद को चारों तरफ से पस्त कर दोगे फिर उसे तड़पा तड़पा मारो मैं यह काम क्यों करूं? दौलत के लिए हम तुम्हें भरपूर पैसा देंगे नहीं मैं यह काम नहीं करूंगा क्यों बस नहीं करूंगा करण सिंह ने होट भींच लिए तुम पैसा लेकर लोगों की हत्या भी करते हो करते हो ना हाँ तो पापा तुम्हें गजानंद की हत्या का ठेका देते हैं कर लो हमसे सौदा देवराज चौहान मुस्कुराया सिगरेट का कश लिया गजानंद कोई आम इंसान नहीं है कि जाऊं और उसकी हत्या कर दूं। वह दिल्ली का दादा है उस तक पहुंचने के लिए मुझे कईयों को शूट करना पड़ेगा यह संख्या काफी पड़ सकती है यह एक इंसान की हत्या का सवाल नहीं सैकड़ों हत्याओं का सवाल समझो इसे तो इन सभी हत्याओं की के भी कीमत लगा लो करण सिंह ने फौरन कहा नहीं मैं इतना भारी बखेड़ा नहीं पालना चाहता गजानंद के खिलाफ हाथ उठाने का मतलब है जैसे दिल्ली में गैंग छिड़ जाए इससे कम हंगामा नहीं होगा गजानंद कोई मामूली इंसान नहीं है आखिर दिल्ली का दादा है जिसने मुंबई के दादाओं यानी कि तुम लोगों को भी परेशान कर दिया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ वह मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना पांव जमाना चाहता है हाँ वह यही चाहता है सिंह स्वर में बोला, ऐसा करने की कोशिश में वह कामयाब तो नहीं हो सकता परंतु हमारे लिए काफी परेशानियां खड़ी कर सकता है तुम गजानंद को साफ करो आखिर उसने तुम्हारी भी तो बिना वजह ठुकाई करवाई है कोई बात नहीं मैंने भी तो बिना वजह उसके मामले में दखल दिया था देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा अब करण सिंह की शांत मुद्रा का रंग बदलने लगा हम तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए देवराज चौहान खामोश रहा करण सिंह के बदलते रूप ने उसे इस बात का एहसास करा दिया था कि वह उसके साथ कुछ भी बुरा कर सकता है क्योंकि उसके पास आदमी और हथियार है इस तरह स्पष्ट इनकार करना उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है चुप क्यों हो गए जवाब दो करण सिंह फिर बोला मुझे सोचने का वक्त दो देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, कितना वक्त कल तक का। कल शाम के बाद आकर मुझसे बात कर लेना करण सिंह फौरन उठ खड़ा हुआ ठीक है मैं कल रात को आऊंगा देवराज चौहान ने सिर हिलाया करण सिंह अपने दोनों साथियों के साथ बाहर निकल गया देवराज चौहान मन ही मन फैसला कर चुका था कि उसे किसी तरह करण सिंह की हद से दूर हो जाना है वह मुंबई अंडरवर्ल्ड की ताकत है उसके साथ कुछ भी कर सकता है अब वह नर्सिंग होम से निकलना चाहता था परंतु वह इस बात से भी वाकिफ था कि करण सिंह के आदमी नर्सिंग होम के भीतर और बाहर मौजूद हैं। उनकी निगाहों में धूल चौंक कर निकलना कठिन काम था और अब तो करण सिंह ने पहरा और भी सख्त करवा दिया होगा बहरहाल देवराज चौहान नर्सिंग होम से निकलने का निश्चय कर चुका था देवराज चौहान ने दीवार पर लटकी घड़ी पर निगाह डाली रात के साढ़े बारह बज चुके थे उसने एक निगाह चंद कदम के फासले पर मौजूद नर्स पर डाली जो स्टूल पर बैठी पत्रिका के पन्ने पलटने में व्यस्त थी देवराज चौहान बेड से नीचे उतरा नर्स का ध्यान फौरन उसकी तरफ गया कुछ चाहिए आपको नर्स ने मुस्कुराकर पूछा नहीं बेड पर लेटने का मन नहीं है सोचा कुछ टहल लो नर्स पुनः पत्रिका के पन्ने पलटने में व्यस्त हो गई देवराज चौहान नीचे उतरने के पश्चात सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेने लगा था रह उसकी निगाह नर्स की तरफ उठ जाती जिसका ध्यान उसकी तरफ जरा भी नहीं था टहलते टहलते देवराज चौहान ठीक उसके पीछे पहुंचा और नपातुला हाथ उसकी कनपट्टी पर मारा हल्की सी तरह के साथ नर्स बेहोश हो गई इससे पहले कि वह नीचे गिरती देवराज चौहान ने उसे थामा और उठाकर बेड के ऊपर लिटाया और कपड़े से ढक दिया इसके बाद देवराज चौहान ने कष्ट लिया और आगे बढ़कर दीवार के साथ दरवाजे की ओट में जा छिपा उसका चेहरा चट्टान की तरह कठोर हुआ पड़ा था वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली हर रोज डॉक्टर राउंड पर आता था परंतु अभी तक नहीं आया था और उसे पूरा विश्वास था कि वह जल्दी ही आने वाला होगा देवराज चौहान का विचार बिल्कुल ठीक निकला उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी जो कि करीब आती जा रही थी फिर चंद के उपरांत डॉक्टर ने भीतर प्रवेश किया देवराज चौहान ने डॉक्टर को संभलने का भी मौका नहीं दिया एक ही बार में बेहोश किया उसके कपड़े उतारकर खुद पहने जो कि रो धोकर फिट ही आए फिर उसकी आंखों पर चढ़ा नजर का चश्मा पहना जिसके कारण उसे हर वस्तु धुंधली धुंधली सी दिखाई देने लगी चश्मा पहनना देवराज चौहान की मजबूरी थी तत्पश्चात वह कमरे से डॉक्टर के ही मुद्रा में निकला और आगे बढ़ गया वह इस बात की पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी को उस पर शक न होने पाए कोई स्पष्ट रूप से उसका चेहरा न देख सके आंखों पर चढ़ा नजर का चश्मा उसके लिए दिक्कत पेश कर रहा था जिसे की मजबूरी में उसने माथे पर अटका लिया नर्सिंग होम की पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते उसे करण सिंह के आदमी नजर आए परंतु तो डॉक्टर के कपड़े पहने होने के कारण किसी ने उसकी तरफ गौर नहीं किया नर्सिंग होम की पार्किंग में तीन चार कारें खड़ी थी जिसमें से दो पर डॉक्टर वाला प्लस का निशान था देवराज चौहान ने प्लस निशान वाली कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठ गया वह देख चुका था कि करण सिंह के चार आदमी पार्किंग के हिस्से में टहल रहे थे लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और कुछ ही पलों में नर्सिंग होम से बाहर सड़क पर था कार तेजी से दौड़ रही थी वह कुछ देर पहले अपने जिस्म से पीड़ा को भूल गया था, परंतु अब फिर उसे बदन से उठता एहसास कराने लगा था अपनी तरफ से वह अब करण सिंह की हद से बाहर था उसे पूरा विश्वास था कि करण सिंह उसे तलाश नहीं कर सकेगा लेकिन वो मुसीबत थी क्या जो आसानी से पीछा छोड़ते उसे क्या मालूम था कि करण सिंह बुरी छाया की तरह जल्दी ही उसके सिर पर सवार हो जाएगा जब वह आर्य निवास होटल पहुंचा तो आधी रात के तीन बज रहे थे ऊपर के कपड़े तो उसने कार में ही छोड़ दिए थे और कार भी काफी दूर अब उसके बदन पर सफेद कमीज पैंट थी यहाँ तक वह टैक्सी से पहुंचा था शरीर की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी रात की ड्यूटी पर मौजूद केतन ठाकर उसे देखते ही चौंका जल्दी से काउंटर के पीछे से निकलकर उसके पास पहुंचा। ओ गुलाटी साहब आप अचानक ही कहाँ चले गए थे मैं तो आपके बारे में काफी परेशान था सोच रहा था कि केतन देवराज चौहान ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं जो बात करनी हो कमरे में आ जाओ मैं अभी काउंटर पर किसी को टिका हूं। कर आता हूँ केतन ठाकर बोला देवराज चौहान अपने कमरे में पहुंचा लाइट ऑन की और कुर्सी पर बैठ गया केतन उसके पीछे पीछे ही कमरे में पहुंचा अब कहिए गुराटी साहब आप कहाँ चले गए थे वह कुर्सी पर बैठता हुआ बोला उस रात तो मैंने स्पेशल पार्टी का इंतजाम कर रखा था और मुझे तो आपके शरीर पर चोटों के निशान पड़े नजर आ रहे हैं। कुछ खास नहीं देवराज चौहान ने सिगरेट चुलगा कर लापरवाही से कहा परसों रात कुछ बदमाशों ने मुझे लूट लिया और काफी मारा इतना कि दो दिन तक मैं सरकारी अस्पताल में बेहोश रहा ओह अब होश आया तो सीधा यहाँ चला आया ओह केतन ने गहरी सांस ली यह तो बहुत बुरा हुआ कौन थे आपको लूटने और पीटने वाले मुझे उनका हुलिया बताओ कुछ को मैं जानता हूँ अगर साले बे हुए तो छोड़ो भी मैं उन्हें भूल जाना चाहता हूँ लेकिन तुम यह बताओ कि दिल्ली से मेरे दोस्त जगमोहन का कोई फोन आया नहीं देवराज चौहान जगमोहन के लिए मनी मन चिंतित हो उठा पिछले महीने उन्होंने दिल्ली की पार्टी के लिए काम किया था और जगमोहन अब उससे पचास लाख की पेमेंट लेने गया था एक दो दिन में उसे वापस आ जाना चाहिए था परंतु सप्ताह हो गया वह तो क्या उसकी कोई खबर भी नहीं आई देवराज चौहान का अब इस बारे में गंभीरता से सोचना था। केतन, कहिए गुलाटी साहब मैं अपने दोस्त को दिल्ली फोन करना चाहता हूँ लाइन मिला दो कौन सा होटल है दिल्ली का पार्क व्यू रूम नंबर चौबीस मैंने ही फोन करके कमरा बुक कराया था देवराज चौहान ने कहा जब वह लाइन पर आ जाए तो मेरे कमरे में लाइन दे देना अभी इंतजाम करता हूँ केतन ठाकर रूम से बाहर निकल गया देवराज चौहान कुर्सी से उठा और सिगरेट ट्रे में डालकर कपड़े बदलने लगा कुछ ही पलों में वह नाइट सूट में था बदन से उठता दर्द उसे चैन न लेने दे रहा था उसे आराम की भरपूर आवश्यकता थी देवराज चौहान फोन की घंटी बजने के इंतजार में था परंतु दस मिनट बाद केतन ठाकर खुद वहां पहुंचा क्या हुआ केतन ठाकर के चेहरे के भाव को देखते देवराज चौहान के होठों से निकला मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा केतन ठाकर बैठता हुआ बोला पार्क व्यू होटल दिल्ली में फोन किया बात हुई मालूम हुआ आपका दोस्त पिछले पांच दिनों से होटल से गायब है क्या देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई हाँ और कुछ खतरनाक लोग जगमोहन की तलाश में होटल के गेट मंडराते रहते हैं और दिन में दस बार रिसेप्शन पर आकर पूछते हैं कि वह लौटा या नहीं यह बात तुमसे होटल वालों ने कही देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह मारी हाँ रिसेप्शन पर जिससे मेरी बात हुई वह मेरी पहचान वाला है मैंने उसे समझा दिया है कि किसी को मेरे बारे में न बताए कि फोन करके मैंने उसके बारे में पूछा है देवराज चौहान के होठ भिंच गए सरासर गड़बड़ थी जगमोहन किसी बुरे हादसे का शिकार था मुझे तो लगता है गुलाटी साहब कि आपके दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ है नहीं अभी तो नहीं हुआ देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा मैं समझा नहीं अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया होता तो चंद लोग अभी भी उसकी तलाश में न होते इसका मतलब वह खुद को सुरक्षित रखे है उन लोगों से बचा हुआ है लेकिन बात क्या है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता लेकिन अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा केतन ठाकुर सिर हिलाकर रह गया केतन अब मैं आराम करूंगा ठीक सुबह बात करेंगे मैं भी यही कहने वाला था कि आप आराम कीजिए बदन पर काफी चोटे हैं कुछ भिजवाता हूँ क्या बिस्की वगैरह दो पैक बार कर चोटों को राहत मिलेगी केतन ठाकर मुस्कुराया नहीं उसके बिना ही मुझे गहरी नींद आ जाएगी केतन ठाकर बाहर निकल गया देवराज चौहान बेड पर जा लेटा नींद से उसकी पलके भारी हो रही थी परंतु तो मस्तिष्क में जगमोहन के प्रति विचार आ रहे थे कि उसके साथ क्या बीता होगा वह किस रगड़े में फंस गया है इन्हीं सोचों में वह नींद में डूबता चला गया करण सिंह तो उसके दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था अगले दिन देवराज चौहान सोकर उठा तो दिन के पारा बज रहे थे सूर्य ठीक आसमान पर चमक रहा था अब वह शरीर को काफी हद तक ठीक महसूस कर रहा था इंटरकॉम पर बेटर को उसने चाय लाने को कहा और सिगरेट सुलका ली रात की सारी घटनाएं उसके मस्तिष्क में घूमने लगी आखिरकार उसका दिमाग जगमोहन पर जाकर केंद्रित हो गया वह फौरन दिल्ली पहुँच जगमोहन की खैरियत जानना चाहता था। मनी मन उसने फैसला किया कि आज वह दिल्ली रवाना हो जाएगा वेटर चाय ले आया वह चाय पीने लगा अगर केतन होटल में मौजूद होता तो चाय के साथ ही वह गप्पे मारने आ जाता उसके न आने का मतलब था रात की ड्यूटी के बाद वह करीब ही मौजूद अपने घर पर सोया होगा केतन ने उसके दिल्ली जाने का प्रबंध फौरन कर देना था वह चाहता तो फोन करके केतन को घर से बुला लेता परंतु वह रात भर के केतन की नींद खराब नहीं करना चाहता था देवराज चौहान तैयार हुआ अब उसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी उसे पूरा विश्वास था कि अगले दो दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा कमरे से बाहर निकलते निकलते एकाएक वह ठिठका, फिर पलट कर अपने पहुँच पहुंचकर उसे खोला और कपड़ों के नीचे रखे रिवॉल्वर निकाल कर उसका चैम्बर चेक किया और जेब में डालने के पश्चात दरवाजे की तरफ बढ़ा इससे पहले कि देवराज चौहान दरवाजा खोलता दरवाजा खुला और करण सिंह वहां प्रकट हुआ देवराज चौहान ठिटक गया चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे और लुप्त हो गए करण सिंह अपने दोनों साथियों के साथ कमरे के भीतर आया बाहर बेटर भी था जिसके चेहरे पर घबराहट मौजूद थी। समझते हो, तुमने क्या सोचा था? कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे लेकिन कुछ ही घंटों में हमने तुम्हें तलाश कर लिया कि तुम आर्य निवास होटल में रह रहे हो यहीं पर गजानंद के आदमियों से तुम्हारा टकराव हुआ था तब तुम फुटपाथ पर जा रहे थे कि करीब ही कहीं रह रहे हो और करीब आर्य निवास होटल ही था देवराज चौहान होठ भींचे उसे देखता रहा तुम्हें हमारा डर नहीं रहा देवराज चौहान करण सिंह ने दरिंदगी से कहा किस बात का डर यही कि हमारी इजाजत के बिना तुम वहां से भाग गए यह नहीं सोचा कि पकड़े जाने पर हम तुम्हें सजा भी दे सकते हैं करण सिंह ने दादाई लहजे में कहा मैं नर्सिंग होम में तुम्हारी कैद में था नहीं तो फिर मेरे वहां से चले आने में तुम्हें क्या ऐतराज है मेरा मन किया आ गया तुमने हमें जवाब देना था तुमने कहा था कि तुम सोच कर जवाब दोगे और हमें बिना जवाब दिए वहां से बहुत होशियार बनते हो तुम वह तो मैं हूँ ही देवराज चौहान की आवाज में कठोरता उभरी तुम मुझसे जवाब तलबी करने वाले कौन होते हो जाओ यहाँ से करण सिंह का चेहरा अपमान से लाल सुर्खो उठा मैं करण सिंह हूँ सूरज प्रताप सिंह का बेटा यहाँ बदमाशों की दुनिया में हमारी चलती है जो हमारी बात नहीं मानता सड़क के किसी कोने में उसकी लाश ही नजर आती है मैं चाहूँ तो अभी गोलियों से तुम्हारा शरीर छलनी कर दू परंतु तुमसे मुझे काम निकालना है इसलिए तुम्हारी इस गलती को मैं माफ करता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया देवराज चौहान की आंखों में मौत के शोले नाच उठे देवराज चौहान कभी भी किसी की माफी कबूल नहीं करता करण सिंह तुम्हारे शब्द अब कुछ हद से ज्यादा पड़ते जा रहे हैं जुबान को कम चलाओ वरना 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 क्या करोगे तुम करण सिंह कर तो ने एक एक शब्द चबा कर वह शी स्वर में कहा लेकिन मैं बात पढ़ाना नहीं चाहता तुमने गजानंद से टकराने की जो ऑफर मेरे सामने रखी थी उसे मैं कबूल नहीं करता जाओ यहाँ से दोबारा मेरे सामने मत पड़ना करण सिंह के चेहरे पर पागलपन के चिन्ह उभरने लगे तुम मेरी बात को इनकार नहीं कर सकते करण सिंह चीखा क्यों देवराज चौहान के चबड़े कस गए क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड हमारे इशारे पर चलता है मैं अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ अच्छा यही है कि मेरी बात मान लो वरना अफसोस करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे जाओ करण सिंह चले जाओ यहाँ से देवराज चौहान का स्वर भयानक हो उठा करण सिंह ने विषिप्तों की भांति जेब में हाथ डाला परंतु इससे पहले रिवॉल्वर निकाल पाता उन सबको देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आई कोई हरकत न करे देवराज चौहान के होठों से चीते की सी गुर्राहट निकली रिवॉल्वर अभी जेब से बाहर न आए वरना अपनी मौत का वह खुद जिम्मेदार होगा करण सिंह और उसके दोनों साथी ठगे से खड़े रह गए देवराज चौहान तुमने मुझ पर रिवॉल्वर तानकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा अभी तक देवराज चौहान की शराफत ही देखी है मैं शरीफ ही बना रहता परंतु तुम्हारी हरकतों ने मुझे मजबूर किया कि कम से कम तुम्हें इतना कुछ दे दूं कि देवराज चौहान को हमेशा याद रखो और तुम्हें इस बात का भी एहसास रहे कि तुम ताकतवर नहीं देवराज चौहान से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं तुम लोग आज अंडरवर्ल्ड के दादा हो और कल कोई दूसरा आ जाएगा परंतु मैंने आज तक ना जाने कितने अंडरवर्ल्ड की खाक छानी है कितनों को बनते बिगड़ते देखा है मील का वह पत्थर हूँ जिसने बहुत कुछ देखा है और जाने क्या क्या देखना बाकी है अब तभी दरवाजे पर केतन ठाकर नजर आया उसका चेहरा बता रहा था कि वह सोता हुआ उठकर सीधा भागा आ रहा है वेटर ने उसे खबर कर दी होगी भीतर का दृश्य देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई उसने फौरन सूखे स्वर में कहा प्लीज़ प्लीज गुलाटी साहब होटल में यह सब ना हो होटल की रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा गोली नहीं चलाना फायर नहीं करना देवराज चौहान की खूनी निगाह सिंह सिंह पर थी होश में आओ देवराज चौहान गुर्राया तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो करण सिंह को देखते हुए देवराज चौहान ने केतन से कहा तुम जाओ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे होटल में ऐसा कुछ ना हो केतन तुरंत वहां से खिसक गया देवराज चौहान ने खुंखार निगाहों से करण सिंह और उसके दोनों साथियों को देखा अब तुम तीनों इस होटल से बाहर चलोगे। रास्ते में अगर किसी ने, किसी ने भी की चेष्टा की तो और कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले करण सिंह मरेगा देवराज चौहान तुम करण सिंह ने कुछ कहना चाहा, तभी देवराज चौहान धरकते स्वर में गुर्रा उठा चल भी वरना यही भून कर रख दूंगा चल करण सिंह हक्का पक्का सा खड़ा रह गया अब उसे देवराज चौहान का असली रूप समझ में आ रहा था वरना पहले तो वह उसे ही समझ रहा था। देवराज चौहान की आंखें, चेहरा, हाव-भाव सब कुछ किसी घायल शेर की भांति नजर आ रहा था जिसने हर हाल में शिकार करना ही है आज पहली बार करण सिंह को अपने सामने ऊट के खड़े होने का एहसास हुआ तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद